इस वक्त ये है शिव सैनिकों के विरोध को देखते हुए पीसीबी चीफ के साथ बीसीसीआई ने अपनी बैठक रद्द कर दी है। पीसीबी चीफ शहरयार खान के साथ आज दोपहर के बाद सुशांत मनोहर की बातचीत होनी थी। यूएई में माना जा रहा था कि दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज शुरू कराने को लेकर ये बातचीत हो सकती है, लेकिन आज जिस तरह से बीसीसीआई दफ्तर के अंदर घुसकर शशांक मनोहर के ठीक सामने, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, शिवसेना ने प्रदर्शन किया है, उसको देखते हुए इस बैठक को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। अभी हमने 16 अक्टूबर को देखा था किस तरह से सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर शिवसैनिकों ने काले पोती थी। हालांकि सुरक्षा के दावे बार बार फडणवीस सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन शिवसैनिक मानने के लिए तैयार नहीं है और अपने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज उन लोगों ने बीसीसीआई दफ्तर के अंदर जाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसके मद्देनजर शहरयार खान और शशांक मनोहर की बैठक रद्द हो गई है। विनोद लाबा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, जाहिर तौर पर शिवसेना के दबाव का ही यह नतीजा है कि जो बैठक होनी थी उसे रद्द करना पड़ा बीसीसीआई। निश्चित तौर पर चित्रा, और ये बैठक होनी थी और ये इनविटेशन भी शशांक मनोहर का था, बीसीसीआई प्रेसिडेंट का, कि शहरयार खान को बुलाया जाए और नए सिरे से बात की जाए। लेकिन दबाव का ये और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, मुझे लगता है पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी है शिवसेना। और कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर लगातार कहते रहे थे, जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं, कि इस हालात में सीरीज नहीं हो सकती, लेकिन प्रेसिडेंट बदले, जिस तरह से अध्यक्ष आए, उन्होंने एक लास्ट इसकी एक स्टॉप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिलहाल कैंसिल हो गई। शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। बीसीसीआई है बैकफुट पर और जो बैठक होनी थी उसे रद्द कर दिया गया।